बुजुर्ग साढ़े आन पहलू वो उस दुनिया फानी तो चले गए असा भी चले बने लेकिन मशवरा ये कि ईमानदार साढ़े ड्राइवरों को इज्जत मिले साढ़े अमले को इज्जत मिले साढ़ी गलियों को इज्जत मिले क्योंकि जेड़ा सारा निज़ाम सिस्टम है ही टाइम मुल्क पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट के सिर पर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दिन नवी वीडियो के नाल हाजिर थे पे दोस्तों डेदे पे सो माशाल्लाह असा एक अड्डे के उत्ते मौजूद हैं ये भाई और साढ़े नाल हैं ते माशाल्लाह ट्रांसपोर्ट दे बिजनेस भी करेने और इतना अड्डा भी बड़े ही बैठे तो इन्हां नाल इंशाल्लाह गुफ्तगू करेने मुलाकात करेने दोस्तों वीडियो के नाल रहने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम भाई जान जी वाह और भाई जान खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक यानी गड्डियां जड़ियां बारू ए खड़ियां थिया ये अपने जी अपनी जाती गड्डी अच्छा ए केड़ी गड्डियां ए 3500 मज़दे अच्छा डू है जी डू है गड्डियां 3500 मज़दे अच्छा सो जी कितने गड्डियां हैं अपने तुम्हारे अपनी असम डा गड्डियां में अच्छा ते ए ता अड्डा भी चलाई पे वे जी जी अच्छा पूरे पाकिस्तान ही गड्डियां और पूरे पाकिस्तान का ही माल आता है जितने भी फैक्ट्री एरिया फैक्ट्रियां हैं या बैर अंदर दियां लोकल पार्टियां भी हैं कई कस्टमर घर के समान वाले हर तरह की गड्डी असं प्रोवाइड कराने हैं। अच्छा हर तरह की गड्डी साढ़े को अवेलेबल आती है मतलब छोटी तो छोटी गड्डी भी आती है वड्डी तो वड्डी भी आती है 16-18 फुट मजदे भी होने डा व्हीलर कंटेनर 40 फुट कंटेनर वो भी साढ़े को अवेलेबल होने और पूरे पाकिस्तान की सारी सर्विस है। हूँ ही टाइम कितना बैठे हैं मौजूद आप ही टाइम बिहाड़ी चौक मुल्तान राजपूत गुड्स से बैठे हैं। अच्छा भैया ए दसे तो उसा डा गड्डिया में रखी खड़े हुए जी जी उन्ना दूते अमला चले ही खड़े हुए जी जी बिल्कुल अमला चल रहा है। अच्छा तुसा इथा अड्डे दे बैठ जांदे जी जी अच्छा तुसा ना ए जेडे डू गड्डिया बारू खड़े हैं हां जी मस्त है माशाल्लाह वीआईपी चमक दे खड़े हैं दोस्त दे दे बैठे हो थन सामने चल दे पेन ते इन्ना दी क्या खर्चा है और क्या डिमांड है मस्ते दी ही टाइम भाई जन जिमे गड्डियां मेरीयां खड़ियां नहीं टाइम 40 लाख रुपए दी एक गड्डी दा रेट है। अच्छा 40 लाख 40 तो 45 लाख रुपए एक गड्डी दा रेट है साडी दा इस तू यानी कि बाकी जिमे गड्डी दे बॉडी वाइज ठीक गई डेकोरेशन दे हिसाब नाल ठीक गई लोड वाइज ठीक गई ऊं हिसाब नाल वल रेट होंदे हर गड्डी दा वखरा गड्डियां दा माशाल्लाह बिल्कुल सोणिया लाजवाब गड्डियां अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारीयां ही मैं साफ सुथरी गड्डियां रखीयां होईयां ते टायर वगैरह अच्छे हैं इंजन वगैरह अच्छे है सर्विस साड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान है जो अच्छी सर्विस है लोग मने नहीं चीज़ को सही पिछला यानी कि 35-30 साल थी गए साढ़े बुजुर्गों के दौर का यानी कि असें कारोबार स्टार्ट किया है। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े जबरदस्त चलता भी है बाकी जेड़ा डीजल की महंगाई है अजकल मार्केट उत्ते थले इं वजह करके बड़े मसले मसायल तो दरपेश आते पे ट्रांसपोर्ट को। अच्छा तो बस साड़ी हुकूमत को साड़ी अपील भी है कि साढ़े मुतालबात मने वन की मेहरबानी करके जेड़ा है कि ट्रांसपोर्टर को बेनीफिट दिता वे रोड के उ जबकि रोड के उत्ते साढ़े ट्रांसपोर्टर वास्ते कोई सेफ्टी कह नहीं सही। कोई साढ़े ड्राइवर को चलान करेंगे वार्डन वाला 40 लाख की गड्डी पर बैठा होंगे ड्राइवर खुद 18वें स्केल का 14वें 15वें 16वें स्केल का अफसर है क्योंकि रोक के जोड़ा है बिला वजह बदतमीजी भी करे चलान भी कर दें सही। ये हुकूमत ना सा मुतालबा है कि इन चीज़ को बचाया वजे कॉन्स्टेबल जोड़ा है साढ़े ड्राइवरों को इज्जत मिले साढ़े अमले को इज्जत मिले साड़ी गलियों को इज्जत मिले क्योंकि जेड़ा सारा निज़ाम सिस्टम है ही टाइम मुल्क पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट के सिर पर चल रहा है। मजदे खड़े 3500 इन्हें क्या डीजल दी एवरेज होती है पर लीटर इन्हें भाई जान मुख्तलिफ एवरेज है डीजल दी कई गड्डिया इंजन वाइज लोड वाइज के हिसाब न कई हैं जी 5-6 किलोमीटर की देनी है कई गड्डिया 3-4 किलोमीटर करेंगे। अच्छा लेकिन आम जो साढ़े मजदे हैं 6 किलोमीटर की एवरेज है। अच्छा ये जो मजदे खड़े थे 6 किलोमीटर एवरेज खड़े गड्डिया जी खड़ी माशाला बहुत ही खूबसूरत है अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब करे कितना एक महीने की इनकम कमा गिनती है एक महीने की अगर लमसम एवरेज अस लाऊँ कई महीना अच्छा भी होंगे कई कमजोर भी होंगे अगर असं 12 महीने की एवरेज कटो तकरीबन 1,10,000 1,20,000 रुपया सारे अखराजात काट के साथ फी गड्डी प्रॉफिट आती है। अच्छा वहाँ में डीजल महंगे भी हैं डीजल महंगे हैं उन सिर तो बनाते असर पौधे काफ़ी ज्यादा। अच्छा। यानी कि सम टाइम ऐसा होंगे कि सवेरे डीजल बदने आज गड्डी साड़ी माल लाद की कराची तो वहनी पई है तो वह लो डीजल बद वे रातों रात किराया सबू जी है कस्टमर ने वो देना जो सा डील थी हुई है उस तो बाद जोड़ा है काफ़ी साढ़े कारोबार से असर भी है चीज़ें जी गड्डिया की लैवरेज लाख की आई उन्होंने अस्टम 70,000-75,000 से आई सही है वाल टायर भी कास्टली है हर चीज़ महंगी है अजकल दौर दोस्त ड्राइवर भीरा जो तो बैठे बैठे जी जी तो ट्रक ड्राइवर इन मतलब कई को मजद है जी गड्डी भी है मिसाल है तुम्हारे नाल अगर कनेक्शन करना चाहें भी यार माल के हिसाब न जी जी तुम्हारे नाल रबता कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं साड़ी बकायदा
ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਗੁੜਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਰੇ ਸੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਲਟੀ ਸ਼ੋਅ ਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਥੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਜਾ ਤੂੰ ਮਾਲ ਲੜਨਾ ਲਹਾਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਬਈ, ਸਾਊਦੀ, ਯੂਰਪ, ਬਹਿਰ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ? ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਵਾਂਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲਗਨ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਚਲਦੇ ਪੈਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ? ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਅ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਦੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਵਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20,000 ਜਾਂ 22,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਵਣਾ ਸਹੀ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕੋਈ? ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, 2,000-3,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਾਜੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਨੈਕਸਟ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।